हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, वसंत ऋतु स्टार्ट हो गई है, प्लस फरवरी भी आ चुका है। मेरे यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, जिसमें मैं सीड्स भी ग्रो कर सकती हूँ, प्लस कटिंग्स भी। तो फ्रेंड्स, मौसम अच्छा होता है तो हमारी कटिंग्स भी ग्रो होती हैं अच्छे से, और सीड्स भी काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं। तो आज मैं उन्हीं सीड्स की बात करूंगी जो आप फरवरी मंथ में ग्रो कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में जब वो प्लांट ग्रो होके प्लांट बनेगा प्लस फ्लावरिंग करेगा तो फ्री का प्लांट भी तैयार हो जाएगा और आपका गार्डन भी खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं उन्हीं प्लांट्स के सीड्स आपके पास में शेयर करूंगी आपके साथ में, कि जो प्लांट मेरे खुद के गार्डन में है। और देखो, गार्डनिंग एक बहुत ही अच्छा शौक़ है और आप सीखते सीखते ही कुछ सीख सकते हैं उससे। जब तक आपके प्लांट को एक दो साल नहीं हो जाएंगे, आपके प्लांट के साथ एक दो साल आप नहीं बिता लेंगे, तब तक आपको उस प्लांट का नेचर भी पता नहीं लगेगा और उसके बारे में कुछ पता नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, के इंटरेस्ट, अगर हमारा इंटरेस्ट होगा तो कोई अपनी मम्मी के पेट से नहीं सीख के आता, सब इस दुनिया में ही आकर सब कुछ सीखना पड़ता है। तो इसी तरह अगर आपको भी गार्डन का शौक है तो टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री गार्डनिंग कीजिए। धीरे धीरे इंसान सब सीख जाता है, एक दूसरे से सीख के ही हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और मैं आपको बताती हूँ कौन से ऐसे प्लांट है जो इस टाइम पे आप सीड्स लगा लेंगे तो आने वाले टाइम में आपके गार्डन में प्लांट बन के रेडी हो जाएंगे। देखो, सबसे पहला प्लांट है फ्रेंड्स अपराजिता। अपराजिता जहाँ पे फ्लावरिंग होते हैं वहीं से ही इसके सीड्स निकलते हैं, और सीड्स जैसे कि पक जाते हैं तो इन्हीं सीड्स जब ये गिर जाते हैं, चाहे क्यारी में या गमले में, तो बहुत ही ईजिली अपराजिता का ये शुभ प्लांट तैयार हो जाता है। बारिशों में मेरे यहाँ बहुत सारे प्लांट बन गए थे यही शेड्स गिर गिर के, और मेरे गार्डन में कम से कम 3 से 4 प्लांट हैं अपराजिता के। तो फ्रेंड्स, विंटर्स में तो अपराजिता प्लांट बिल्कुल डोरमेंसी में चली जाती है, अगर अच्छी धूप ना मिले तो ये प्लांट फ्लावरिंग भी नहीं करता। देखिए, अभी फरवरी है तो मैं इस प्लांट की कटिंग प्रूनिंग सब कुछ करके यानी कि ये फिर से ग्रो हो जाएगा और आने वाले समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो ज़रूर से ऐड कीजिए अपने गार्डन में अपराजिता के प्लांट को। और फ्रेंड्स, अगला प्लांट है फोर ओक्लॉक का। जहाँ इसके सीड्स फ्रेंड्स गिरते हैं वहाँ ये प्लांट रेडी हो जाता है। काफ़ी इजी टू ग्रो है, कम मेंटेनेंस में बहुत अच्छा प्लांट है। पिंक कलर के और येलो कलर के फ्लावरिंग प्लांट इसमें देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। जहाँ इसके सीड्स गिरते हैं वहाँ ये प्लांट रेडी हो जाता है। मैं कभी भी इस प्लांट को बाहर से नहीं लेके आई हूँ, कहीं से मिट्टी में एक सीड आ गया होगा और इससे मेरे यहाँ गार्डन में ढेरों प्लांट अपने आप बन जाते हैं। अगला प्लांट है फ्रेंड्स विंका, सदाबहार भी कहते हैं। कई कलर्स में इस टाइम पर तो ये प्लांट मिल जाते हैं विंटर्स में, लेकिन इसका ये कॉमन कलर है, बिल्कुल देसी प्लांट है ये, और जहाँ इसके सीड्स गिरते हैं वहाँ ये प्लांट रेडी हो जाता है। तो देखिए, ये विंटर्स में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, यानी पूरे साल भर ही फ्लावरिंग करने वाला ये प्लांट सीड से काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाता है, ईजिली ग्रो हो जाता है। अगला प्लांट है फ्रेंड्स डमरा। इसकी चटनी बनती है, ये मेडिसिनल प्लांट है, और ये मैं किसी के घर से सीड्स लेके आई थी और मैंने गमले में सीड्स इस तरह से डाल दिए थे, तो आज ढेरों प्लांट बन के रेडी है मेरे घर पे। तो फ्रेंड्स, अपने बगीचे में इस मेडिसिनल प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए। अगला प्लांट है फ्रेंड्स जीनिया का। कलर्स में देखने को मिल जाते हैं जीनिया के प्लांट फ्रेंड्स, और जैसे ही इस प्लांट पे जो फ्लावर्स आए हैं वो सूख जाएंगे, और जहाँ जहाँ इसके फ्लावर्स सूखे हुए फ्लावर्स गिरते हैं वहाँ वहाँ इसके प्लांट बनके रेडी हो जाते हैं। मेरे गार्डन में भी इसी तरह मैं विंटर्स में जीनिया का प्लांट लाई थी, तो देखिए जो फ्लावर्स सूख गए थे आज उनके प्लांट बनके रेडी हो गए हैं। लगभग पूरे साल भर ही ये प्लांट फ्लावरिंग करता है, लेकिन ज़्यादा गर्मी में इस प्लांट को बचाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से काफ़ी ऐसे प्लांट हैं जो आप अपने गार्डन में एक बार कहीं से सीड्स ले आएंगे या कटिंग्स ले आएंगे तो ईजिली आपके घर में ढेरों प्लांट बनके रेडी हो जाएंगे। उसमें फ्रेंड्स अगले प्लांट है पिटोनिया का। ये गर्मियों का पिटोनिया है, ये भी अपने सीड्स बनाता है, और जब ये सीड्स बनाता है इसके सीड्स सूख जाते हैं, तो जहाँ इसके सीड्स गिरते हैं बिल्कुल विंका प्लांट की तरह, जहाँ इसके सीड्स गिरते हैं वहाँ इसके न्यू प्लांट बनके रेडी हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगला प्लांट है अडेनियम का। अगर आपके पास अडेनियम का एक भी प्लांट नहीं है तो कहीं से आप इसके सीड्स ले आइए, शॉप पे भी मिल जाते हैं फ्रेंड्स। इस टाइम पे आप अडेनियम के सीड्स ग्रो करेंगे तो आने वाले टाइम में आपके पास बहुत से अडेनियम के प्लांट्स रेडी हो जाएंगे, और जो सीड से प्लांट रेडी होते हैं उनके कॉडेक्स बहुत सुंदर निकल के आते हैं। मैंने भी कई बार इसके सीड्स ग्रो किए हैं।
तो फ्रेंड्स बहुत इजीली इस टाइम पे आप अडेनियम प्लांट के सीड्स ग्रो करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और आने वाले टाइम में आपके पास ढेरों प्लांट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स मेरे गार्डन में ये जो आप अडेनियम का प्लांट देख रहे हैं इसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, जबकि इस टाइम पे इसका कटिंग, प्रोनिंग और रिपोर्टिंग का टाइम है। तो आने वाली वीडियो में मैं उसका अपडेट आपको ज़रूर दूंगी। अगला प्लांट है फ्रेंड्स देखिए तुलसी, शुभ प्लांट है ये तुलसी का। हर घर में, इंडिया में हर घर में मिल जाता है और ये सीड से काफ़ी ईजिली ग्रो हो जाता है। जहाँ जहाँ इसके सीड्स गिरेंगे वहाँ वहाँ ये प्लांट रेडी हो जाएगा। तो अगर आपने तुलसी का प्लांट नहीं लगाया है तो ज़रूर से लगाएं। तो फ्रेंड्स अगला जो है फ्रेंड्स आप वेजिटेबल में इस टाइम पे देखिए ब्रिंजल ग्रो कर सकते हैं सीड से। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी पुराना मेरा ब्रिंजल का प्लांट है और इससे मैं हार्वेस्टिंग लेती ही रहती हूँ। तो इस टाइम पे फ्रेंड्स आप लौकी, खीरा और भिंडी वगैरह जो समर्स में हमको सब्जियाँ चाहिए होती हैं वो ईजिली ग्रो कर सकते हैं, ताकि आने वाले 2-3 मंथ में आपको हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप टमाटर भी ग्रो कर सकते हैं, हरी मिर्च का प्लांट भी लगा सकते हैं सीड से। और बल्ब वाले प्लांटों में फ्रेंड्स आप जैसे तो फ्रेंड्स आप रेन लिली को ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसका एक भी बल्ब ले आते हैं तो कई बल्ब इसके अपने आप रेडी हो जाएंगे आने वाले बारिश तक। और रजनीगंधा के प्लांट को भी आप बल्ब से ग्रो कर सकते हैं, प्लस रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं इस टाइम पे इन प्लांट्स की। तो फ्रेंड्स अगर आपके वहाँ का मौसम अच्छा है, ज़्यादा बारिश नहीं है, ज़्यादा ठंड नहीं है, तो इन प्लांट्स को रिपोर्ट भी कीजिए, प्लस आप सीड भी लगा लीजिए और आप कटिंग्स भी लगा सकते हैं जो कटिंग्स इस टाइम पे ग्रो हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप गार्डनिंग करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाते हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री गार्डनिंग कीजिए, क्योंकि एक बार करेंगे, दो बार करेंगे और तीसरी बार में आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाए। तो ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। अगर आज का मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो फ्रेंड्स ज़रूर से मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप भी इसी तरह टेंशन फ्री हैप्पी गार्डनिंग करते रहिए और एक से कई प्लांट बनाते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।